श्री शिवाय नमस्तु भियम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सावन का पवित्र महीना कितना पावन होता है हम सब जानते हैं, और इस सावन के पवित्र महीने में जो मंगलवार का दिन होता है वो बहुत ज्यादा खास होता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों के विवाह में परेशानियां आ रही है, जिन लोगों के जीवन में परेशानी आ रही है, जिन लोगों को रोग हो रहा है, बार बार घर में रोग की स्थिति हुई है, जिन लोगों के विवाह संबंधित परेशानियां हैं, जिन लोगों के कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों के विवाह में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, विवाह होते होते रह जाता है, तलाक तक की नौबतें आ चुकी है और आप तलाक लेना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी किसी भी प्रकार से बच जाए, आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो आज का ये उपाय होने वाला है। बहुत ही खास आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले जो कि मंगलागौरी व्रत के दिन आप कर सकते हैं। देखो यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। मंगलवार का दिन होना चाहिए, सावन का मंगलवार, सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। रोज हर मंगलवार को करना चाहे तो आप हर मंगलवार के भी दिन कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपको करना है। देखो कुंवारे लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, शादीशुदा लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। तार इस साल सावन में मंगलागौरी व्रत रखे जाएंगे। देखो वैसे तो हर साल 4 से 5 ही मंगलागौरी व्रत रखते हैं, लेकिन इस साल सावन में अधिक मास जुड़ गया है, इसीलिए सावन में 9 मंगलागौरी व्रत रखेंगे, फिर 11 जुलाई, फिर 18 जुलाई, फिर 25 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 8 अगस्त, फिर 15 अगस्त, फिर 22 अगस्त, फिर 29 अगस्त। आ गई आपको बात समझ में? देखिए भगवान शिव की उपासना के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव के सच्चे दिल उपासना करता है तो उसकी सभी मनोकामना परिपूर्ण होती ही है। सावन के महीने में जहां भगवान शिव की आराधना हम विशेषकर सोमवार के दिन करते हैं, उसी प्रकार मंगलवार का दिन माता पार्वती की उपासना के लिए उत्तम फलदायी बताया गया है। सावन में मंगलवार के दिन माता महागौरी का पूजन अर्चन करने की शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, कुछ उपाय करके भी माता पार्वती को आप प्रसन्न कर सकते हैं। देखो के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि पति की आयु लंबी होती है और कुंडली में विवाहित जीवन में कोई भी अगर समस्या आ रही है तो वो समस्या भी दूर होती है। दाम्पत्य जीवन जो होता है वो खुशहाल बीतने लगता है, और जो लोग संतानहीन है वे लोग भी मंगलागौरी व्रत रखते हैं तो माता पार्वती की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस सावन के मंगलवार के दिन है। देखिए सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। जो हमने आपको तारीख बताई है उस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिवा के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंगलागौरी व्रत के दिन अगर विवाह संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है, कुंवारी लड़की है, लड़के हैं, अगर विवाह संबंधित परेशानियां आ रही है तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखो उनके नाम से क्या करना है, आपको मंगलागौरी व्रत वाले दिन सावन के मंगलवार के दिन आपको लाल चुनरी माता को अर्पित करनी चाहिए, सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए, बिंदी अर्पित करनी चाहिए, चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए, सिंदूर अर्पित करना चाहिए, मेहंदी, अमंगल सूत्र, नथ, काजल, सिंदूर, कुछ भी आप अर्पित करें, लेकिन 16 श्रृंगार भी अगर आप अर्पित करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लाल चुनरी तो आज के दिन माता पार्वती को आपको अर्पण करना ही करना चाहिए। आ गई आपको भाषण, इस प्रकार से माता को आप अर्पण करें और आपके जीवन की समस्त बाधाएं, कष्ट जो है, विवाह संबंधित परेशानियां है वो सब दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। और पहला उपाय करना है, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दूसरा उपाय, यदि पति पत्नी बहुत ज्यादा लड़ते हैं, बात बात पर लड़ाई करने लग जाते हैं, तलाक तक की नौबत आ जाती है, घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश होता है,
अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या आपके जीवन से दूर हो जाए तो मंगलागौरी व्रत के दिन यानी कि सावन के पवित्र मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। मात्र एक बूंद शहद लेना है, साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, आपकी तर्जनी उंगली यानी कि सीधे हाथ की अंगूठी के पास वाली जो उंगली है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। उस तर्जनी उंगली में या तो आप सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली उंगली जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से शहद जो है उस उंगली पर आपको शहद लगाना और शहद का लेपन कटी भाग के वहाँ पर करना है। आ गई आपको बस बात समझ में आई, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कटी भाग क्या होता है। आ भगवान शिव और पार्वती माता जिनसे जुड़े हुए रहते हैं वो होता है कटी भाग। कटी भाग पर आपको शहद लगाना है। जब आप कटी भाग पर शहद लगाएंगे तब आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ये कटी भाग भगवान शिव माता पार्वती को जोड़ता है और यही पर आप शहद लगाते हैं तो आपके घर प्रेम बढ़ता है, आपके घर से दूर होता है। और अंत में एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते का जाप करते हुए आप अर्पित कर दीजिए। देखो ये हो गया दूसरा उपाय, ये भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास था। अब तीसरा उपाय देखो, आज के दिन माता महागौरी का जो पूजन होता है विशेषकर 16 प्रकार के आपको पुष्प अर्पित करना चाहिए। ठीक है, माता को 16 प्रकार के पुष्प अर्पित करने चाहिए। जो भी 16 प्रकार के पुष्प अर्पित करता है उसके जीवन भी सुगंधित हो जाता है, उसके जीवन से सारा क्लेश जो है वो दूर हो जाता है, सारा भार दूर हो जाता है। कोई भी समस्या हो, संतान संबंधित परेशानियां हो वो दूर करना हो तो 16 पुष्प अर्पित करें। विवाह संबंधित परेशानियां दूर करना हो तो 16 पुष्प अर्पित करें। कोई से भी पुष्प अर्पित करें लेकिन उन 16 पुष्पों में से एक पुष्प लाल रंग का होना अनिवार्य है। अभी आपको वास्तव में इस प्रकार से आप 16 पुष्प आपको एक ही बार में अर्पित करना है। गौरी शंकराय नमः का जाप करते हुए 16 पुष्प अर्पित कर देना है। तो ये हो गया तीसरा उपाय। देखिए अब देखिए चौथा उपाय जो कि अंतिम उपाय है, जो कि बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। देखो यदि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर में कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति की तरक्की हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से रोग दूर हो जाए, अगर घर में कोई भी बार बार बीमार पड़ जाता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, पति बीमार, घर का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यानी कि सर्वश्रेष्ठ ये उपाय है, माता पार्वती का महा उपाय है, आपके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है। देखो इस उपाय को करने के लिए बहुत ध्यान से समझना, इस उपाय को करने के लिए 2 लोटे जल आपको लेना है। तांबे के पात्र में ले, स्टील के पात्र में ले, जिसमें लेना हो आप ले सकते हैं। 2 पात्र लेना है, अलग अलग भी ले सकते हैं, एक स्टील का हो या एक तांबे का पात्र हो तो वो भी ले सकते हैं। साथ में 5 बेलपत्र आपको लेना है, बेलपत्र कहीं से भी खंडित उपयोग में नहीं लेना है। देखो सावन का महीना है, हो सकता है बेलपत्र के पेड़ में आपको बेलपत्र ही ना मिले क्योंकि सब लोग तोड़ करके चले जाते हैं, तो सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में आप ले सकते हैं। 5 बेलपत्र लेना, शुद्ध जल मिलाना और उसके बाद क्या करना, और ये 5 बेलपत्र एक के ऊपर एक चिकना वाला साइड ऊपर होना चाहिए। अब इस बेलपत्र को आपको कटी भाग यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के हस्तकमल का ये जो बीच में कटी भाग है ना, कटी भाग पर स्पर्श करवाना है। कटी भाग पर जैसे ही स्पर्श करवाएंगे आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है वो आपको बोलना है। रोग दूर हो जाए तो उसके लिए कामना करना है, या अगर धन प्राप्ति के लिए करना है, पति का व्यापार अच्छा चले, घर के जो संतान है वो खुशहाल रहे, वो बिगड़े ना, तो आपको ये उपाय चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आपको रखना नहीं है, कटी भाग पर स्पर्श करवाना है, वापस उठाना है और ये भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित भी कैसे करेंगे, चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखो वीडियो के अंदर बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। अब 2 लोटे जल
आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर दोनों हाथों से आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना, जहां पर आपका बेलपत्र है वहीं पर आपको अर्पण करना है। इस प्रकार से वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है और आप ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते बम का जाप करते हुए ये पूरा अर्पित कर दे और अंत में वापस से जो भी आपकी इच्छा है वो आपको वापस से बोलना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको सावन के मंगलवार के दिन करने वाले चार महा उपाय बताए हैं, जो भी मंगलवार आए हैं मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक उपाय कर लिया, अगले दिन दूसरा उपाय कर लिया, फिर दूसरा उपाय कर लिया, इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर होगी। तो देखिए अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव।